हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं या कैसे जान सकते हैं। किसी बंदे को आप हॉटस्पॉट को खोल देते हैं तो कनेक्ट करना चाहता है तो नहीं कर पाता, क्योंकि फ्रेंड उसका पासवर्ड नहीं पता रहता है। तो आप इस वीडियो में पूरा वॉच करने के बाद आसानी से उस हॉटस्पॉट का पासवर्ड ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होता है सेटिंग में आपको जाना है। तो जैसे देख सकते हैं फ्रेंड, हम इस मोबाइल को ओपन कर लिए हैं। तो ओपन करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, अपने मोबाइल को सेटिंग में जाना है। तो जैसे देख सकते हैं इस तरह से सेटिंग में आ गए हैं। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आपको पासवर्ड अपने हॉटस्पॉट खोल देते हैं वहाँ से, या ढूंढ के खोल देते हैं तो आपको पासवर्ड नहीं पता रहता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको आदर्श कन्वेंशन में जाना है। इसमें आपको पर्सनल हॉटस्पॉट पर जाना है, जो देख सकते हैं VPN हॉटस्पॉट। तो VPN हॉटस्पॉट पर आपको पर्सनल हॉटस्पॉट पर जाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं पर्सनल हॉटस्पॉट सेटिंग। इसमें सेटिंग पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं रियल मी लिखेगा, तो आपको नाम रहता है तो रियल मी UN सेट है। तो नाम में जैसे आप वाईफाई खोलेंगे अपना हॉटस्पॉट तो इस तरह से नाम लिख देगा रियल मी UN। आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से पासवर्ड में अपना नाम डाल सकते हैं या किसी और का भी, जैसे होता है 1 2 3 जितना अब जो आप समझ में आए वो लिख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और फ्रेंड इस तरह से आप अपने वाईफाई या हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप चेंज करने के बाद यहाँ से ऊपर में सेव करने का ऑप्शन देगा तो आसानी सेव कर सकते हैं। और प्लस आपको बता दें फ्रेंड कि जैसे आप अपने मोबाइल का डाटा यूज करना चाहते हैं तो अगले बंदे को भी कनेक्ट कराते हैं तो उसमें आप सेट कर देंगे जितना MB यूज करना चाहता है बंदा, तो उसको आपको आसानी से यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो आपको डाटा रजिस्ट्रेशन आ गया है जो आपको यहाँ से सेट कर लेंगे, जैसे 100 MB 200 MB, तो ऑटोमेटिक आपका डाटा है हॉटस्पॉट ख़त्म हो जाएगा, जो आपको बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। इससे क्या होगा फ्रेंड कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपका डाटा भी सेव रहेगा और कोई बंदे का कनेक्ट कराएंगे सेट कर देंगे तो आसानी सेट हो जाएगा। और इसमें 2 सेटिंग होती है, जो आप एक डिवाइस में कनेक्ट चाहना चाहते हैं 2 डिवाइस में 3 डिवाइस में सेट कर देंगे तो उसी डिवाइस में 3 डिवाइस में कनेक्ट है, उससे बेसी नहीं होगा। तो इस तरह से आसानी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।